महान सरोद वादक अली अकबर खान की कहानी सुनाते हैं। अली अकबर खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महानतम कलाकारों में से बाबा अलाउद्दीन खान के बेटे थे। ये कहानी अली अकबर खान के बचपन की। अली अकबर खान की उम्र रही होगी करीब 6-7 साल के आसपास। एक रोज बाबा ने उन्हें बुलाया। बाबा ने उन्हें बुलाकर पहले मिठाई दी, फिर आशीर्वाद दिया और फिर उनके हाथ में दिया सरोद। सरोद देने के बाद बाबा ने उनसे कहा, अब तुम आज के बाद कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाओ। बाबा के इस आदेश के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। इस दिलचस्प कहानी से पहले आपको बता दें कि उस्ताद अली अकबर खान का जन्म 14 अप्रैल 1922 को ईस्ट बंगाल के शिवपुर गांव में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। अली अकबर जब करीब 6 महीने के थे तो उनका परिवार मेहर आ गया। अब वो कहानी जिसका जिक्र हमने किया, बाबा अलाउद्दीन खान बड़े सख्त गुरु थे। अली अकबर खान जब छोटे थे तो बाबा अलाउद्दीन खान ने उन्हें 2 हफ्ते तक अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने के लिए दिए। अच्छा, सितार, वायलिन, ये वाद्य यंत्र अली अकबर खान ने बजाए दिए। लेकिन फिर एक दिन बाबा अलाउद्दीन ने उन्हें बुलाया और उन्हें सरोद दिया। कहते हैं कि वो सरोद खुद बाबा अलाउद्दीन खान का बनाया हुआ था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बाबा खुद 200 तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते थे, जो उन्होंने अपने घर पर ही करीब 200 साल से भी ज्यादा पुराने एक पेड़ की लकड़ी से बनाए थे। उस सरोद के हाथ में आने के बाद अली अकबर खान की जैसे जिंदगी ही बदल गई। उनकी जिंदगी पर एक तरह का कर्फ्यू सा लग गया। बाबा अलाउद्दीन खान ने उन्हें हिदायत दी कि तुम्हें जो सिखाया जाए बस तुम्हें वही सीखना है, उसी का रियाज करना। यहाँ तक कि अली अकबर खान को कोई दूसरा संगीत सुनने की भी इजाजत नहीं थी। बाबा अलाउद्दीन खान ने उनसे कहा था कि अभी तुम सिर्फ सीखो, वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। अच्छा, हिदायत ये भी थी कि स्कूल से सीधे घर आएंगे, स्कूल में ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करेंगे, दोस्तों, सिनेमा, खेलकूद, इन सब से अली अकबर खान का बचपन बेहद दूर था। बाबा अलाउद्दीन ने उन्हें साफ कह दिया था कि तुम पैदा ही सिर्फ सीखने के लिए हुए हो। बाबा अलाउद्दीन खान ने अकबर अली खान का रियाज धीरे धीरे 18 घंटे तक पहुंचा दिया था। वो कहते थे कि हर एक राग की कम से कम 500 कॉम्पोजिशन तैयार रहनी चाहिए। समय के हिसाब से रागों के रियाज का भी बाबा बहुत ध्यान रखते थे। बेटे से कहीं कोई गलती होती तो वो उसे तुरंत ठीक कराते थे। कुछ गिने चुने ही मौके थे जब अली अकबर खान ने अपनी बहन अन्नपूर्णा देवी के साथ रियाज किया। वो ज्यादातर अपने बाबा के साथ अकेले रियाज करते थे। मेहर के बाद अली अकबर खान लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में वो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े। वहां उन्होंने तमाम अलग अलग कलाकारों को सुना, नाटकों का संगीत तैयार किया। इसी दौरान जोधपुर के महाराजा ने बाबा अलाउद्दीन खान को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया। अब बाबा ने जोधपुर के महाराजा का आमंत्रण ये कहकर ठुकरा दिया कि वो तो मेहर से बाहर अब कहीं जाएंगे ही नहीं, हाँ अगर महाराज चाहें तो उनके बेटे अली अकबर खान को बुला लें। जोधपुर के महाराज इसके लिए तैयार हो गए। बाबा अलाउद्दीन खान ने बेटे अली अकबर खान को जोधपुर जाने को कहा। जोधपुर में उस्ताद फैयाज खान के साथ एक कार्यक्रम का किस्सा उस्ताद अली अकबर खान अक्सर सुनाते थे। उस्ताद फैयाज खान का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद जोधपुर के महाराज ने उस्ताद अली अकबर खान को बजाने के लिए कहा। उस्ताद अली अकबर खान ने कहा कि उस्ताद फैयाज खान उनसे उम्र में बड़े हैं, इसीलिए उनके कार्यक्रम के बाद उनका बजाना ठीक नहीं है। तब उस्ताद फैयाज खान ने खुद ही उस्ताद अली अकबर खान को साथ में बजाने को कहा। इससे पहले पंडित रविशंकर और उस्ताद अल्लाह रखा खान के साथ उनकी जुगलबंदी भी मशहूर हुई थी। बचपन के जिस कड़े रियाज का हमने जिक्र किया, उसी का नतीजा था कि अली अकबर खान को दुनिया भर में बेहद प्यार और सम्मान मिला। उन्होंने चेतन आनंद की फिल्म आंधियां और सत्यजीत रे की फिल्म देवी के लिए संगीत भी तैयार किया। 50 के दशक में उन्होंने कोलकाता में अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की शुरुआत की। ये कॉलेज अच्छा नहीं चला, जिसके बाद वो अमेरिका चले गए। इसके बाद भी उस्ताद अली अकबर खान लंबे समय तक सक्रिय रहे। 1989 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 18 जून 2009 को कैलिफोर्निया में उन्होंने आखिरी सांस ली।
दादागिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। महान सरोद वादक अली अकबर खान की कहानी सुनाते हैं। अली अकबर खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महानतम कलाकारों में से बाबा अलाउद्दीन खान के बेटे थे। ये कहानी अली अकबर खान के बचपन की। अली अकबर खान की उम्र रही होगी करीब 6-7 साल के आसपास। एक रोज बाबा ने उन्हें बुलाया। बाबा ने उन्हें बुलाकर पहले मिठाई दी, फिर आशीर्वाद दिया और फिर उनके हाथ में दिया सरोद। सरोद देने के बाद बाबा ने उनसे कहा, अब तुम आज के बाद कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाओ। बाबा के इस आदेश के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। इस दिलचस्प कहानी से पहले आपको बता दें कि उस्ताद अली अकबर खान का जन्म 14 अप्रैल 1922 को ईस्ट बंगाल के शिवपुर गांव में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। अली अकबर जब करीब 6 महीने के थे तो उनका परिवार मेहर आ गया। अब वो कहानी जिसका जिक्र हमने किया, बाबा अलाउद्दीन खान बड़े सख्त गुरु थे। अली अकबर खान जब छोटे थे तो बाबा अलाउद्दीन खान ने उन्हें 2 हफ्ते तक अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने के लिए दिए। अच्छा, सितार, वायलिन, ये वाद्य यंत्र अली अकबर खान ने बजाए दिए। लेकिन फिर एक दिन बाबा अलाउद्दीन ने उन्हें बुलाया और उन्हें सरोद दिया। कहते हैं कि वो सरोद खुद बाबा अलाउद्दीन खान का बनाया हुआ था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बाबा खुद 200 तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते थे, जो उन्होंने अपने घर पर ही करीब 200 साल से भी ज्यादा पुराने एक पेड़ की लकड़ी से बनाए थे। उस सरोद के हाथ में आने के बाद अली अकबर खान की जैसे जिंदगी ही बदल गई। उनकी जिंदगी पर एक तरह का कर्फ्यू सा लग गया। बाबा अलाउद्दीन खान ने उन्हें हिदायत दी कि तुम्हें जो सिखाया जाए बस तुम्हें वही सीखना, उसी का रियाज करना। यहाँ तक कि अली अकबर खान को कोई दूसरा संगीत सुनने की भी इजाजत नहीं थी। बाबा अलाउद्दीन खान ने उनसे कहा था कि अभी तुम सिर्फ सीखो, वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। अच्छा, हिदायत ये भी थी कि स्कूल से सीधे घर आएंगे, स्कूल में ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करेंगे, दोस्तों, सिनेमा, खेलकूद, इन सब से अली अकबर खान का बचपन बेहद दूर था। बाबा अलाउद्दीन ने उन्हें साफ कह दिया था कि तुम पैदा ही सिर्फ सीखने के लिए हुए हो। बाबा अलाउद्दीन खान ने अकबर अली खान का रियाज धीरे धीरे 18 घंटे तक पहुंचा दिया था। वो कहते थे कि हर एक राग की कम से कम 500 कॉम्पोजिशन तैयार रहनी चाहिए। समय के हिसाब से रागों के रियाज का भी बाबा बहुत ध्यान रखते थे। बेटे से कहीं कोई गलती होती तो वो उसे तुरंत ठीक कराते थे। कुछ गिने चुने ही मौके थे जब अली अकबर खान ने अपनी बहन अन्नपूर्णा देवी के साथ रियाज किया। वो ज्यादातर अपने बाबा के साथ अकेले रियाज करते थे। मेहर के बाद अली अकबर खान लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में वो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े। वहाँ उन्होंने तमाम अलग अलग कलाकारों को सुना, नाटकों का संगीत तैयार किया। इसी दौरान जोधपुर के महाराजा ने बाबा अलाउद्दीन खान को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया। अब बाबा ने जोधपुर के महाराजा का आमंत्रण ये कहकर ठुकरा दिया कि वो तो मेहर से बाहर अब कहीं जाएंगे ही नहीं, हाँ अगर महाराज चाहें तो उनके बेटे अली अकबर खान को बुला लें। जोधपुर के महाराज इसके लिए तैयार हो गए। बाबा अलाउद्दीन खान ने बेटे अली अकबर खान को जोधपुर जाने को कहा। जोधपुर में उस्ताद फैयाज खान के साथ एक कार्यक्रम का किस्सा उस्ताद अली अकबर खान अक्सर सुनाते थे। उस्ताद फैयाज खान का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद जोधपुर के महाराज ने उस्ताद अली अकबर खान को बजाने के लिए कहा। उस्ताद अली अकबर खान ने कहा कि उस्ताद फैयाज खान उनसे उम्र में बड़े हैं, इसीलिए उनके कार्यक्रम के बाद उनका बजाना ठीक नहीं है। तब उस्ताद फैयाज खान ने खुद ही उस्ताद अली अकबर खान को साथ में बजाने को कहा। इससे पहले पंडित रविशंकर और उस्ताद अल्लाह रखा खान के साथ उनकी जुगलबंदी भी मशहूर हुई थी। बचपन के जिस कड़े रियाज का हमने जिक्र किया, उसी का नतीजा था कि अली अकबर खान को दुनिया भर में बेहद प्यार और सम्मान मिला। उन्होंने चेतन आनंद की फिल्म आंधियां और सत्यजीत रे की फिल्म देवी के लिए संगीत भी तैयार किया। 50 के दशक में उन्होंने कोलकाता में
अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की शुरुआत की। ये कॉलेज अच्छा नहीं चला, जिसके बाद वो अमेरिका चले गए। इसके बाद भी उस्ताद अली अकबर खान लंबे समय तक सक्रिय रहे। 1989 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 18 जून 2009 को कैलिफोर्निया में उन्होंने आखिरी सांस ली। रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।